अब आप जी वका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम है, घर आली नु आदा है मेरी घर आली, मैं दुनिया जहान दिया सारिया नेमता पूरिया कर छोड़िया, मी जरूरियात जिंदगी दे सारे मामलात पूरे नहीं, मैं सफर ती जा रहा, मेरी इजाजत तू बगैर कदम बार न रखिया, कोई तेरी मेरी बीवी वर्गी कोई नहीं सही, मैं ए नादा बड़िया बीविया फरमा बरदार ने, लेकिन ओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया बीवी आई, फरमाया सिर अखियां ते तेरा हुक्म मनिया, मी मर्दी मरवे सांगार तू बार पेर न चेसा, जदा उदा खावे सफर ती गया है, इक दी गुजरे आडू दी गुजरे त्रैरी गुजरे जद चारी गुजरे उदा बड़ा फिरा उदे वेड़े आया मेरे भेड़े, सलाम भी वालेकुम सलाम वीरना, एक अजीब बहार होंदी है किसे भेड़ दे फिरा उदे वेड़े आवे, हाँ एक अजीब मंदर होंदे भेड़िया फिरावा नाल कितना प्यार करेनिया ने, ओ लोक ना दाने जेड़े पांच फिरा ने का भेड़े, बाबा अदालत लिखवा ने जज साहब मेरी धी कोई नहीं, मेरे तेरा विगे ने मेरे पुत्रा दी जिम्मेला छोड़, ना ना मेरे चिट्टी दाड़ी वाले बाबे आ, ए तेरी धी कुरान दे हुक्म मुताबिक आधी दही वाल दी हिस्सा है, त्रेहाई हिस्से दी मालिक है, जेड़े पुत्र नु वंड के देने इसे माल ते जमीन फरमान दिता है, तू कौन थी ना धी दा हक खावन वाला, धीया नु हिस्से दिते कर वरना कबल दी मंजल बड़ी औखी आई, भेड़िया बिरावा नाल हक लई नहीं लड़दिया, अगर भेड़ दा प्यार वेखना ही करबला दा मंजर वे, अगर भेड़ दा प्यार वेखना ही करबला दा मंजर वेख, बीबी जैनब दा प्यार वेख, अगर भेड़ दा मंजर वेखना ही प्यार वेखना ही, यूसुफ नबी नू फिरा चाही वेंदियां कली भेड़ी जड़ी पिछा बज बज के आ दी आई, मेरे भेरा नू न खड़वा, अगर प्यार वेखना ही भेड़ दा, कलीम नबी संदूक जिपल गई, मां नहीं समुद्र नाल हवा नाल गल्ला प्या कर रही, पानी भी संदूक तैर दवे ना, जिथू जिथू संदूक पानी बिच तैर दगे, यू कलीम नबी दी दरिया दे किनारे भेण भजदी रह गई, सुभान अल्लाह, भेण दा प्यार अजीब है, मैं अज तई नहीं वेखिया कोई भेण बिरा नाल किसे मुरब्बे लई किसे कना लई किसे मरले रही लड़ी होवे, लेकिन ए फिराई भेण कोलो आया हाल पुछण ते नाल दसदा है मेरी भेणे बाबा बीमार नबी दा सहाबी ये, ओ मेरे भेणे मेरा पापा बीमार है, ते कोई याद प्या करे ना है, चल मेरे नाल चल, वीरन दा मत्था चुम किया दिए, मेरे भाई मेरे बाबे नू मेरे सलाम देवे, उनू आखे तेरी धी नहीं आ सकदी, क्यों नहीं आ सकदी, फरमाया खावन मना कर गया है, बार कदम नहीं भी रखना, सुभान अल्लाह ये रखना जेड़े जाग दे बैठे हो, सुभान अल्लाह, फरमाया ठीक है, एक दिहाड़ा गुजरा दूजा गुजरा वाला दूजा भाई आया, फरमाया भेणे बाबी दी तबीयत ज्यादा खराब है, मौत करीब है, हुण त मेरे नाल चल, उथई थले जमीन ते मुसल्ला विच आया, हाथ रब दी बरगाह च चाए, फरमाया मेरे मौला अपने बाबे दा चेहरा नहीं वेख सकदी, इहदे विच मजबूरी है, तेरे नबी दा फरमान है, मेरा खामद मैं कुछ सुना गया है, मैं तेरे नबी दा फरमान अपने खामद दी ज़बान तू सुनया है,
मनी बैठिया बार नहीं मी जा सकती मेरे बाबी नू सेहत चले मैं फिर आवी वल गया है। चौथी दियार चाचा आया फरमाया मैं साडा ना मैं दे बाबे वर्गा वा फरमाया चाचा नाराज नथी मैं तू शाना वाला तू मेरे इज्जत वाला है प्यू समा दे लेकिन खाम दा हुक्म नहीं मी त्रोड़ आमंदा हुकम निमी त्रोड़ सकदी बाब चाचा निमी जा सकदी चाचा भी भल गया है कोई दिहाड़े गुजरे वाला भाई आया फरमाया मेरी भेणे जिन्या बाबे कोल नहीं गई अज बाबा फोथी गया है चल मेरे नाल चली बाबे दा आखरी दीदार तक कर ले तू सनो जान दे प्यू ते धीदा कितना अजीम रिश्ता है पुत्र भी ठीक है ना बाबे नाल प्यार करे ने लेकिन मेरा सोना नबी फरमेंदा है धी 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 है नबी सोने ने अपनी साहबजादी चौथी न फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नो इवें काबे विच चाया सरकार ने फरमाया वे मक्के दे मुशरिको तुसां धीआं नू जिंदा दरगोर करे ने ओ तुसां धीआं नू ज़िबा करे ने ओ इहो जिहा दौर आई धी नाल लोग नफरत करे नहीं मेरे नबी ने धी नू हत्थां च जाया सीने नाल लाया फरमाया पहली नहीं ए मेरी चौथी धी है ते मुहम्मद जिगर दा टुकड़ा सुभान अल्लाह टुकड़े सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह धीआं प्यार कर दियां बाबियां नाल भाई ने आख्या भेणे बाबा फौत थी गई उथाई मंजे ते तले चरपाई सटी रोण लग पई सजदे च सिर गया फरमाया मौला मैं तेरे महबूब दा आखा मनी बैठी हां खामन आखिया ऊं गल नूं मैं मनी बैठी हां ते मैं निमी जा सकदी मौला नाराज न थी वे तेरे महबूब की गल नू मनी बैठी हाँ भैया नहीं भी जा सकती इया गल करके भाई वल गया मेरे रसूल अल्लाह से सोने ललपाल नबी हूँ जनाजे विच तशरीफ घिनना है सुभान अल्लाह शाला सोना रल लावे शाला सोना रल लावे कहीं जनाजे विच सरकार उन जनाजे विच तशरीफ घिन गए मेरे नबी ने अपनी रहमत दी निगाह नाल वेख्या उस बाबे दे पुत्र हैं चार बाज रहता जे सत बेटे उस सत्ते बेटे बड़े परेशान हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली दी थी फरमाया मौत पर हक के फरमाया हुजूर मौत पर हक के असी वाले साहब दी मौत नू मनी है असी राजी हाँ साडा बाबा ई जहान तो चला गया साडी नेक तरबियत करके लेकिन दरअसल वजह रब दी रजा ते राजी हाँ लेकिन असल वजह हो रे या रसूल अल्लाह साडी भेण है असी सत फेरावा एक साडी भेण है साडा बाबा फौत थी गया साडी भेण फना इलाके च परणी वई है बाबे दा चेहरा वेखण वास्ते नहीं पई आंदी मेरे नबी सोने फरमाया क्यों नहीं आंदी फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामदा खमनी बैठी है इनू खामदा खया है नहीं भी जाना खाम सफर ते नहीं आ सकदी तुसा नबी आओ तुसा साडे सरदार आओ तुसा साडे दिल दे करार आओ कमली वाले आ हुक्म फरमाओ मैं भेण को घिन्ना वा मेरे लजबाल नबी फरमाया मेरे सहाबा उकू अपने खावन मना कीता है मैं अलग नबी आ इजाजत नहीं मिले ना उथाई मुदी बाबी दी मैयत घिन वनू हा अंदर पर्दे च रखा वा तेरी भेण पपड़े बाबे दा चेहरा उथाई देखिया इथा नहीं आ सकती क्योंकि खामन दी हुक्म दी तकमील लाजमी है ओ खामन दी हुक्म अदुली नहीं भी कर सकदी सहाबे कराम ने प्यू दा जनाजा चाया भेण दे कोल घिन्ना है परदे विच रखाया धी ने बाबे दा चेहरा वेखिया देरनी बाबे दी मैयत नाल दर्द सुनाए ढेर बाबे दी मैयत नु चिमण के रोई है आदि मौला तेरे महबूब नबी दा आखा मनी बैठिया मेरे हाल ते रहम करिया मेरे बाबे नु बशकिया बस इया गल आई मेरे नबी ने जनाजा पढ़ाया अज सोने सलाम फेराए जिब्रील तशरीफ घिन आया आदे या रसूल अल्लाह अल्लाह सलाम प्या देना ने
ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਹਬੂਬਾ ਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਬਖਸ਼ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਰਸੂਲullah ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਅਦਾ ਸਾਗੋ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਧੀ ਦੀ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ औलाद ने खोए बाबिया की बख्शिश थी नी औलाद ने कोवे बाबिया की बख्शिश थी वे नी लेकिन अल्लाह फरमेंदा है तेको मैं मर्द बनाया है जे तैं हुक्म चलाना है व तू अपने हकूक दा भी ख्याल रख जे अपने जबान दी पावर लिख लेना है उकू मजलूम सामने रखेना है ना ना उदी सख्ती भी तेको बर्दाश्त करनी पोसी तेरी सख्ती उनको बर्दाश्त करनी पोसी अल्लाह दा नबी है ना हजरत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम यूनुस नबी घर च बैठा है कुछ मेहमान आए बाहर निकलिया मेहमाना नु मिलन वास्ते अल्लाह दा नबी है लेकिन अंदरू आवाज उच्ची थई है यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम अंदर गए ने उंदी बीवी सख्त ले जी जी बुलेंदी पई है हे नबी अल्लाह दा नबी जदा बाहर आया है लोग पुछदे ने मेहमान पुछदे ने तू अल्लाह दा नबी है जड़ी तेरी घर वाली है ओ भी तो बड़ी शान वाली है लेकिन अजीब गल तेरी घराली बड़े सख्त जुमले बोलेंदी पई है बड़ा गुस्सा पे दिख लेंदी है ए क्या वजह है यूनुस अलैहि सलातो सलाम दी अखियां चो हंजू तर आए फरमाया तुसा नी भी जान दे मैं अल्लाह दी बरगाह च एक मर्तबा सवाल की दे मौला क्या मतलड़ी जे मेरे कोलो कोई पूछ गुछ करनी है मौला उठा ना करे इयो जे करे कि मेरे कोलो थई जे हिसाब करवावे मौला उठे मैं कुछ सामने न खड़ा करवावे मैं पेश नहीं मिथी सकदा अल्लाह फरमाया ऐ मेरे यूनुस नबी अगर उठे पेशी तू डर जाए वल फलां दी थी ना निकाह चा कर जिंदगी विच उदी सख्ती बर्दाश्त कर मैं तेरे अगले मामला दे अंदर आसानी पैदा फरमा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नु मिलन वास्ते बंदे आए आप अंदर घर च बैठे हैं मेहमान दरवाजे ते आए अंदरों बड़ा सख्त लहजे च आवाज आई आप बाहर तशरीफ गिन है उन्हें बंदिया पूछे या उमर फरमाया जी फरमाया अंदर बड़ा सख्त लहजा चलदा पिया सी आप मुस्करा के फरमाते हैं असा इंदी सख्ती बर्दाश्त करेने ए साडी सख्ती बर्दाश्त करेनी असा इंदी सख्ती बर्दाश्त करेने ये सारे पिछों दुख सुख सारे बर्दाश्त करी नहीं तकलीफा बर्दाश्त करी नहीं ये सादा ख्याल रखे नहीं असा इंदा ख्याल रखे नहीं इं तो ये मुराद नहीं कि बंदा आके जी जिवें किबला मुफ्ती साहब फरमा गया सन अगर कोई नीवे वट आवे रसूलुल्लाह दा फरमाने हजूर फरमाया थोड़े अंदर बेहतरीन ते चंगा इंसान वो है जो अपने घराने नाल चंगा हो अपने घर वाले हजूर फरमाया तुसा सारियां कोलों मैं चंगा हाँ अल्लाह दा नबी क्योंकि मैं अपने घर वालियां नाल चंगा हाँ।